किसे पता था 2010 रणजी डेब्यू के 11 साल बाद इस खिलाड़ी को इंडियन टीम में खेलने का मौका मिलेगा। सफर बहुत मुश्किल था। कोई कहता तुम क्रिकेटर नहीं बन सकते, कोई कहता तुम्हें डिसिप्लिन नहीं है। सूर्या कहते थे जितना ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहूँगा, किसी न किसी दिन मुझे मौका ज़रूर मिलेगा। हम गिरेंगे कई बार, फेल होंगे, लेकिन हमें हार नहीं मानना है और अपने ड्रीम को हर हाल में प्राप्त करना है। ठीक ऐसे ही सूर्य कुमार यादव सोचते थे। 14 सितंबर 1990 में सूर्या का जन्म हुआ। पिता अशोक कुमार यादव बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे। सूर्या गली क्रिकेट बचपन में दोस्तों के साथ खेलते थे। सूर्या को बैडमिंटन भी पसंद था, लेकिन उन्हें क्रिकेट बहुत पसंद था, इसीलिए उन्होंने क्रिकेट को चुना। मुंबई जैसे बड़े शहर में पैदा हुए सूर्य कुमार यादव को बचपन से ही जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करना था। क्रिकेट में बेटे की रुचि को देखते हुए पिता ने बेटे को गली क्रिकेट से एक कदम आगे बढ़ाकर चेंबूर की एक क्रिकेट एकेडमी में दाखिल करवा दिया, जिसके बाद सूर्या ने क्रिकेट के अलावा किसी और बारे में सोचा नहीं। वहां दिलीप व्यंग्य सरकार के अंडर उनका कोचिंग शुरू हो गया। उसके बाद सूर्या ने एज ग्रुप क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। बहुत संघर्ष के बाद 19 साल की उम्र में 11 फरवरी 2010 को विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के तरफ से गुजरात के अगेंस्ट लिस्ट ए में उनका डेब्यू हुआ। उन्होंने उस मैच में 37 बॉल में 41 रन बनाए और मैच के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे। उनके इस परफॉर्मेंस के बाद मुंबई T20 में उनका डेब्यू हुआ। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हैदराबाद के खिलाफ मैच था, लेकिन वह सिर्फ 5 ही रन बना पाई और टीम 7 विकेट से हार गई। उसके बाद साल के एंड में उनका मुंबई रणजी टीम में डेब्यू हुआ और उस मौके को सूर्या ने नहीं छोड़ा। 73 रन बनाए और टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर थे। इतने दमदार परफॉर्मेंस के बाद 2011-12 के रणजी ट्रॉफी में सूर्या ने रनों की बारिश कर दी। पूरे सीजन में वह टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर थे। 9 मैच में 754 रन एट एवरेज ऑफ 68.54। तीसरे ही मैच में सूर्या ने दोहरा शतक जड़ा, जिससे सूर्या ने टूर्नामेंट में अपनी अलग पहचान बना ली। अंडर 13 में 2011-12 सीजन में 1000 से ज़्यादा रन बनाए, जिसके लिए उन्हें एमए चिदंबरम ट्रॉफी दी गई। उनके तगड़े परफॉर्मेंस की वजह से 2012 में उन्हें मुंबई इंडियंस ने खरीद लिया। हालांकि उस सीजन सूर्या को एक ही मौका मिला और उस मैच में सैमुअल्स की गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए। 2013 में भी उनको मौका नहीं मिला, वह बेंच पर ही बैठे रहे। 2014 में उनको ऑक्शन में KKR ने खरीद लिया और सूर्या ने उनका भरोसा नहीं तोड़ा। IPL 2015 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक मैच मिनिंग पारी खेली, जिसमें 20 बॉल्स पर 46 रनों की ताबड़तोब पारी खेली और ईडन गार्डन में सबको सरप्राइज कर दिया। सूर्या अपनी टीम के लिए छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पारी खेलते रहे, उसी वजह से उन्हें टीम का वाइस कैप्टन बना दिया। लेकिन 2018 बड़े ऑक्शन में उन्हें मुंबई इंडियंस ने खरीद लिया, लेकिन 3 करोड़ 20 लाख में, हाईएस्ट फे फॉर अनकैप प्लेयर। सूर्या KKR में 15-20 बॉल खेलते थे और यहाँ उन्हें टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने का मौका मिला। यह उनके लिए चैलेंज था, लेकिन सूर्या ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और खुद को 12 से शाम 6 बजे तक खुद को ट्रेन करते रहे। उनका ऑफसाइड एक वीक पॉइंट था। सूर्या को रियलाइज हुआ इंटरनेशनल खेलना है तो वीक पॉइंट को सुधारना होगा, तो इसीलिए सूर्या ने ऑफसाइड की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। साथ ही में अलग अलग शॉट की भी प्रैक्टिस शुरू कर दी। 2018 IPL सीजन में 512 रन और 2019 में 424 और 2020 में 480 रन बनाए। एक के बाद एक अच्छी पारी को देखते हुए सूर्या को लगा 2020 ऑस्ट्रेलिया टूर में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उनका नाम लिस्ट में नहीं आया। लेकिन सूर्या ने हार नहीं मानी। उसके अगले ही मैच में सूर्या ने RCB के खिलाफ एक लाजवाब पारी खेली और अपनी टीम को जितवा दिया। आखिरकार 2021 में सूर्या को इंडियन टीम के लिए कॉल आया। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज थी। 14 मार्च 2021 को उनका इंडियन टीम में डेब्यू हुआ। 11 साल इंतजार करने के बाद उस मैच में उनकी बैटिंग नहीं आई, लेकिन दूसरे मैच में उनकी बैटिंग आते ही उन्होंने पहले ही बॉल पे छक्के के साथ शुरुआत की और ऐलान कर दिया सूर्य अभी उदय हो चुका है। अक्टूबर 2021 वर्ल्ड कप में उनका नाम सिलेक्ट हो गया। 2021 के IPL में उनका फॉर्म थोड़ा सा खराब था, लेकिन एंड सीजन के IPL में 82 रन्स की पारी खेली और उन्होंने IPL 2021 में 14 मैचों में 317 रन बनाए। तो यह थी कहानी सूर्य कुमार यादव की। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि आपका लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन आपको उसका फल जरूर मिलता है।
तड़प होनी चाहिए अपने ड्रीम को कामयाब करने के लिए। सोच तो हर कोई लेता है, हम लोग प्रे करते हैं सूर्य कुमार यादव ऐसे ही परफॉर्मेंस करते रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।